Hey everyone, please subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss a video from Secret Wallet. Hi guys, I'm Sonia and I welcome you to Secret Wallet. Today, as it's my first episode, I really wanted to make it super special, and who else can make it more special than your own friends? So today I will be calling to one of my close friends. She is supremely talented, a versatile, ambitious, practical, diligent, and inventive actress. She is a loving daughter, caring mother, and a pampered wife. So let's welcome Jaswinder Gardner. Hi guys. So thank you so much for coming on our show. Thank you, Sonia. It's always a pleasure. In fact, I'm very happy for you that you started this channel. And I think जो बहुत सारे fans हैं अपने you know जो favorite celebrities के बारे में कुछ secret जानना चाहते हैं, तो this is the channel, this is the place to watch the secret of your favorite celebrities. So guys, do watch it. So as we all know that you have started your career as a designer, so do you always wanted to be an actor? How come you become an actor now? Actually, to be very honest, yes. I always dreamt to become an actor. वो अलग बात है कि I come from a conservative family. और मैं मेरी जो पैदाइश है वो भागलपुर में हुई. भागलपुर मतलब बिहार का एक छोटा सा शहर है. मतलब छोटा शहर है. तो आप समझ सकते हैं कि हमारी फैमिली कैसी होगी. Like you know really like we are Sikh. एंड हमारी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव रही. और हमारे घर से लड़कियों को पहली बात है कि एजुकेशन के लिए भी बाहर भेजना बहुत बड़ी बात होती है. तो मुझे मगर क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा से काफ़ी सपोर्टिव रही हैं. शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज शी वाज ब्रिलियंट इन स्टडीज़. एंड बट द थिंग इज़ दैट बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट नहीं किया. तो वो फाइनली एटलीस्ट उन्होंने ग्रेजुएशन किया. शी वॉज द ओनली वन अमंगस्ट ऑल द वेमेन आई न्यू इन माई फैमिली हु वॉज एजुकेटेड, हु वॉज अ ग्रेजुएट, एंड शी वॉज अ टॉपर. सो दैट थिंग ऑलवेज शी ऑलवेज हैड इन हर माइंड कि मुझे अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को एजुकेट करना है और उन्हें जो भी प्रोफेशन में वो जाना चाहती हैं मैं उन्हें एटलीस्ट उतना तो पढ़ाऊँगी कि वो मतलब अपने ज़िंदगी में कुछ कर सके. तो पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. सो आई वॉज़ नॉट वेरी गुड इन स्टडीज़ दो आई वॉज़ अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड. बट दैट्स वॉट माई मदर एंड फादर टेल्स मी एंड आई थिंक आई एम. तो एक्चुअली मैं बचपन से ही एकदम ड्रीमर थी. इनफैक्ट मुझे याद है कि मेरे सारे फ्रेंड्स खेलने के लिए जाते थे तो मुझे एक्चुअली स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. मुझे डांस में बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत पसंद था मुझे डांस. और मैं मुझे याद है कमरे में अपना कमरा बंद करके म्यूज़िक लगा के मैं डांस करती थी. और मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि जब वो थिएटर लेकर जाते थे मुझे, मैं बहुत छोटी थी, तो जो भी सॉन्ग चलता था तो मैं तुरंत गोदी से उतर जाती थी. आई यूज़ टू बी लाइक जस्ट 2 years 3 years old एंड आई यूज़ टू जस्ट गेट डाउन फ्रॉम देयर लैप एंड स्टार्ट डांसिंग देयर ओनली. जैसे जैसे वो एक्ट्रेस हीरोइन करती थी वैसे वैसे मैं अपने हाथ मूवमेंट और पूरे एक्सप्रेशंस के साथ, तो एवरीबडी यूज़ टू जस्ट कीप वॉचिंग मी. तो बचपन से था ये कीड़ा एक्टर बनने का. लेकिन हाँ, मेरी फैमिली में कभी ये मुझे परमिशन नहीं दी कि तुम एक्ट्रेस बनो. तो इसीलिए मुझे मेरे पास सेकेंड ऑप्शन जो था, जो मैं करना चाहती थी, वो आई वॉन्ट टू बी अ फैशन डिज़ाइनर. तो मुझे याद है मैं बचपन में एक शो देखती थी खूबसूरत, तो उसमें मैं देखती थी मतलब हमारे कंट्री के सबसे बेस्ट डिज़ाइनर्स के शोज़ जो होते थे वो मैं देखती थी. यू नो सो आई यूज़ टू गेट सो इंस्पायर्ड. तो आई थॉट कि ठीक है, एक्ट्रेस ना सही, कम से कम मैं एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर ज़रूर बनूंगी. एंड इन फैक्ट मैं इसीलिए बॉम्बे आई और मैंने यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया JD's इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में. फिर उसके बाद मैंने जॉब की. फिर ऐसे जॉब करते करते मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस में एज अ डिज़ाइनर लगी. इट वॉज़ कॉल्ड प्लस चैनल. एंड जब मैं वहाँ पे एज अ डिज़ाइनर जॉब कर रही थी, आई वॉज़ लाइक अ लिटिल kid, you know, I mean I was hardly like what 18 or so.
उसी समय मुझे एक मौका मिला था. दैट वॉज हाउ आई स्टार्ट, दैट वॉज माई फर्स्ट ब्रेक. आई टेल यू दैट वॉज लाइक ऑलमोस्ट 18-20 ईयर्स बैक. जब मुझे मैं जब यही शो कर रही थी ये कभी कभी, वहाँ पे कुनिका जी करके एक्ट्रेस हैं, आप सब लोग जानते ही होंगे. शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन. इनफैक्ट मेरे लिए तो बहुत मैं बहुत खुश थी उन लोगों सबको देख, क्योंकि मैं पहली बार एक्टर्स को फेस टू फेस देख रही थी, जो जिन्हें मैं हमेशा सिर्फ कैमरे पे देखती थी. सो इनफैक्ट आई हैड अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन अबाउट हर. Such a genuine person, such a wonderful person, I can't tell you. और उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं एक्टिंग में ट्राई करती हो. मैंने कहा नहीं नहीं मुझे परमिशन नहीं मिलेगी. बोले कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमको चाहिए तो तुम्हारा मैं पोर्टफोलियो वगैरह करवा देती हूँ. मैंने पोर्टफोलियो करवाया. इनफैक्ट शी हर ब्रदर वॉज ऑल्सो गोइंग हैड स्टार्टेड दैट टाइम, ही हैड स्टार्टेड giving out his pictures and he had done his portfolio. So she in fact called him up and said, ye ladki ko tum zarur help karna, tum jahan jahan apne pictures drop kar rahe ho iske bhi wahan pe jaake pictures drop karwana, okay? Because that time there was no nothing was digital, so we had to go and physically drop our pictures, we couldn't mail our pictures and all. You won't believe, within 10 days I got my first assignment, and that was, I remember, it was a Boro Plus ka ad, it was a print and TVC. And I was so excited, but I never told my parents nothing at all, didn't tell them anything. I got it done. I mean, I shot for them, and I remember ki maine jo print ad kiya tha na, usme aise tube pehen ke aur aise karke flower rakh ke aisa koi shot tha. To jab mummy logon ne wahan pe meri nahi chachi wagaira ko wo koi magazine mein meri photo nazar aa gayi, तो इतना बड़ा हंगामा हो गया. हाय तुहाडी कुड़ी रेंज दे बिना कपड़े पाए फोटो खिंचाइए, तुहाडी कुड़ी की कर रही है, तुहाडी कुड़ी होते पढ़न गई है कि हीरोइन बनन गई है. सो आई रिमेंबर व्हाट अ हंगामा हैपेंड एंड माय पेरेंट्स कॉल्ड मी एंड दे सेड, तुम माँ क्या कर रही हो, तुम जॉब करने गई थी, तुम ये क्या कर रही हो. देन आई सेड प्लीज लेट मी डू फॉर सम टाइम, प्लीज प्लीज प्लीज. सो देन या आई मैनेज टू डू फॉर लाइक अ ईयर. Then I had to quit because, of course, they wanted me to get married. So yeah, how would you describe your journey so far? Meri, in fact, shaadi ke saare char saal ke baad, jab mera baby 3.5 years ka tha, tab maine wapas shuru kiya. Aur wo bhi achanak hi aisa hua, kyunki main us samay designing hi kar rahi thi aur I was on a break because आप manage नहीं कर सकते ना, you're balancing your family life and your career and some, and especially when you have a baby, तो baby छोटा है तो थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो मैं balance नहीं कर पा रही थी. तो मैंने सोचा थोड़ा break लेती हूँ, और बहुत ही selective काम कर रही थी, बहुत ही कम काम. तो उस समय in fact I had put on lot of weight during my pregnancy, I was like 85 kilos. तो फिर मैंने बहुत डिटर्मिनेशन के साथ मैंने सोचा नहीं, आई नीड टू लूज़ वेट एंड आई नीड टू गेट बैक टू शेप. एंड मैंने मुझे याद है कि मैं रात को जब मेरा बेबी सो रहा होता था, पूरा दिन तो आई यूज़ टू बी बिजी विद माय किड विद द बेबी. फिर जब वो रात को सो रहा होता था तो 12 बजे मैं बिल्डिंग के नीचे आती थी, एंड आई यूज़ टू वॉक फॉर लाइक 45 मिनट्स, वन आवर. आई यूज़ टू वॉक, आई यूज़ टू टेक ब्रिस्क वॉक, एंड दैट वॉज दी ओनली थिंग आई डिड. And I, in 2-3 months, I lost all my weight. तो मैंने पूछा फिर मेरे हस्बैंड से कि अगर मैं एड्स करना चाहूँ तो मुझे अलाउ करोगे. तो उन्होंने इनफैक्ट एक बार भी सोचा, बिना सोचे ही उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड आई वॉज लाइक सरप्राइज्ड. उनको थोड़ा बहुत पता था कि मैं पहले थोड़ी मॉडलिंग करती थी और मुझे बचपन से शौक था. तो जब मैंने उनको बोला कि मैं शुरू कर सकती हूँ, तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया. और इनफैक्ट दैट वाज द ग्रेटेस्ट, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन माय लाइफ, सीरियसली, दैट माय हस्बैंड इज़ सो सपोर्टिव एंड सो आर माय किड्स. एंड मैंने फिर ऑडिशंस पे जाना शुरू किया. और मुझे याद है वही मैं शाम को जब मेरा बेबी थोड़ा खेलने के लिए जाता था, देन आई यूज़ टू गो टू गिव ऑडिशंस. तो जो भी 2 घंटे में ऑडिशंस जहाँ जहाँ दे पाती थी, 2-3 जगह भाग भाग के जाती थी, बैग उठा के अपने अलग अलग चेंजेस रखे, बिकॉज समय यू हैड यू हैव टू वेयर साड़ी, समय यू हैव टू वेयर
salwar kameez, and somewhere you have to wear, you know, your casuals, jeans and tops. So every time, every different look, and your makeup, your, you know, some snack. I always carry some snack with me. So bhari sa bag utha ke rikshe mein idhar udhar ja ke audition deti thi. To fir mujhe kaam milne laga. Phir shuruaat hui wapas meri ye acting journey ki. Lekin phir mere 2-3 saalon ke baad jaise hi mera career pickup ho raha tha, to I was expecting for my second child. बहुत लोगों ने ऐसा भी बोला कि अरे अब तो तुम्हारा दूसरा बेबी भी आ रहा है, अब तो तुम्हारा तो फिर करियर में फिर से रुकावट आ जाएगी. इनफैक्ट गॉड हैड अ डिफरेंट प्लान. मैंने सबको बोल दिया था, लिसन आई एम एक्सपेक्टिंग, सो इफ यू हैव एनी रोल फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन देन यू कैन कॉल मी, अदरवाइज लाइक आई एम गोइंग टू बी ऑन अ ब्रेक फॉर सम टाइम. एंड इनफैक्ट इट सो हैपेंड दैट ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी आई डिड लाइक 4-5 कमर्शियल्स एज अ प्रेग्नेंट वुमन. दे नीडेड अ प्रेग्नेंट वुमन, एक्चुअली देयर वर रोल्स फॉर मी. इनफैक्ट आई डिड 2-3 good films. I did Chiller Party. No, I did that time I did Reddy. Yeah, Reddy I did. And then I, yeah, immediately after my delivery, I did Rowdy Rathore, and Chiller Party I'd done a little before. So yeah, that's how it was, like, you know, so God has been so kind. But yes, it's not easy because now my family stays, they don't stay in Bombay, they stay in Nasik, and my husband and kids are there, and I am here working. So it's not easy. Definitely, it's not easy. Tell us about a good and a bad experience in industry. Mera worst experience to jo raha hai industry mein wo jab maine starting mein pehle matlab jo shows kiye the usme se jo ek show tha Balaji ka. ख्वाहिश करके, तो वहाँ पे आई हैड अ कैमियो, यू नो. तो मैं, मुझे याद है कि आफ्टर कपल ऑफ डेज देर वॉज अ शॉट जहाँ पे मुझे मतलब जो मेन जो लीड थी उसको ऐसे टकराना था और गिरना था. तो उस तो पहले का जो ट्रेंड था ना, वो कैमरा बहुत आगे रखते थे या लो एंगल रखते थे, तो थोड़ा स्पेस कम रहता था एक्टर्स और उसमें. तो उसी समय सडनली मेरा ना एक्चुअली इम्बैलेंस हो गई मैं, और मैं गिरी सीधा कैमरे के पास नीचे. कैमरा ऐसे नीचे था, उसका जो वो ऐसा जो स्क्वायर वो कवर जैसा रहता है ना, तो उसी के एज पे, उसी का एज मेरे नोज़ पे लगा. और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्क. एंड अ गुड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस ये रहा कि हाँ, मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा जब मैं शूट कर रही थी ये मूवी जो है राउडी राठौर, उसके लिए मैं गई थी बादामी. तो अक्षय कुमार के साथ शूट कर रही थी, एंड अक्षय कुमार की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके साथ काम करने का मौका मिला. इनफैक्ट आई एम शॉट विद सलमान खान ऑल्सो, एंड आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिज ऑल्सो. सो दैट वॉज इन रेडी. मगर राउडी राठौड़ की खास बात मुझे, इसलिए मुझे मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मैं बोलती हूँ, मुझे मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस इसलिए रहा क्योंकि जब मैं वहाँ गई थी और वहाँ पर बहुत सारा क्राउड था, और जो मेरा जो सीन था उस जो मतलब जो अगर आपको याद होगा कि मैंने इंस्पेक्टर की वाइफ का रोल किया था जिसे किडनैप कर लिया जाता है, जो वहाँ बाप जी होते हैं वो किडनैप उनका बेटा किडनैप करके रख लेता है, और जो मेरे हस्बैंड होते हैं वो बोलने आते हैं, उनको उनको पता है कि उन्हीं के घर में है, वो बोलने आते हैं कि मेरी वाइफ कहीं गुम हो गई है तो आप प्लीज़ ढूंढ दीजिए उनको. तो उसमें फिर दिखाते हैं कि जो अक्षय कुमार हैं वो मुझे रेस्क्यू करते हैं, और फिर मैं क्राउड में, एक सीन आता है जहाँ मैं क्राउड में खड़ी हूँ और वो बुलाता है आके मेरी जांग पे बैठ जा. तो मैं जाती हूँ, और उसके बाद मुझे उनको एक लात मारनी होती है, और उसके बाद मेरा डायलॉग होता है. तो उस समय मैं बहुत नर्वस थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करी और ऐसा शॉट वो भी परफेक्ट होना चाहिए, एंड आई वॉज प्रीटी नर्वस. लेकिन वो वन टेक ओके हो गया, और उसके बाद जितने क्राउड में लोग थे उन्होंने इतनी तालियां मारी. इनफैक्ट प्रभु देवा जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, अक्षय कुमार ने कॉम्प्लीमेंट किया, और जितने एक्टर्स थे सबने कॉम्प्लीमेंट किया. वन ऑफ माय इनिशियल वर्क
एंड वो भी बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स से कॉम्प्लीमेंट मिलना बहुत बड़ी बात होती है. सो आई टेल यू दैट्स बीन माय बेस्ट एक्सपीरियंस सो फार. सो अब हम शुरू करने वाले एक गेम जिसका जवाब अगर आपने गलत दिया तो आपको पीना पड़ेगा ये मिक्स हर्ब का पानी. आई होप इट्स नॉट नो इट्स वेरी स्वीट एक्चुअली. या लेट्स स्टार्ट. चलो सो एज हम लोग इंडिया के ही निवासी है तो हम लोग इंडिया से ही कुछ शुरू करते हैं. इंडिया का प्रेसिडेंट पानी रामनाथ कोविंद राइट. यस. चलो इंडिया से दोबारा एक क्वेश्चन. फिनेंस मिनिस्टर. फिनेंस मिनिस्टर इज पानी लियो. ऑन द टिप ऑफ माय टंग बट आई जस्ट फॉरगेट. अभी ये नहीं 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 मैं बताती हूँ. अरुण जेटली राइट. या आई वाज थिंकिंग ऑफ चिदंबरम बट या दैट वाज प्रीवियसली अरुण जेटली. आई एम नॉट बैड. ओके आई विल एक्चुअली मेक यू ड्रिंक दिस वाटर. एक था दीवाना और कलीरे विच इज योर फेवरेट शो. फंस गई यार. नहीं ये नहीं कर सकती. नो प्लीज नहीं. आई लव बोथ माय शो. नो नो देन यू हैव टू ड्रिंक. नो दैट्स नॉट फेयर. आई कांट मेक अ चॉइस. आई लव बोथ ऑफ देम. एट लीस्ट इट्स अनफेयर राइट. नो ऑफ कोर्स नो. इट्स स्वीट. Very sweet. Drink and you will realize. You will not regret after drinking. Okay, if it's bitter, then I'll make you have double of this. ठीक है? It's very sweet. हाँ ठीक है. चलो 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 next question. Bitter. Come on, you're gonna have double of this now. No. So, Karishma's nickname. Lolo, right? What is the most childish thing you still do? I know. The most childish thing that I still do is that I laugh like a child all the time at any given point of time. That's what everybody says. What is the biggest lie you have ever told? I hope हमारे शो में कुछ झूठ ना बोला हो आपने. मैंने नहीं मैं जल्दी झूठ नहीं बोलती हूँ. दैट्स अ गुड थिंग. बिल्कुल झूठ नहीं. मतलब मैं आई एम अ वेरी गुड गर्ल. ये झूठ चल रहा है या सच चल रहा है? नहीं सच चल रहा है. मैं जल्दी. इनफैक्ट माय पेरेंट्स आल्सो से कि इसके मुंह पे ये झूठ ये तो मतलब अच्छे से झूठ भी नहीं बोल पाती है. अगर मैं कुछ झूठ बोलना चाह भी रही हूँ ना तो आई कांट एक्ट. I always tell everyone that I'm a very actress. Yes, you are an actress. No, that's true. I want to tell you that ki I am an actor in front of camera, but behind the camera, when the camera is off, I am myself, and I cannot act behind camera. Like once camera is shut, I am just myself. I cannot act. I cannot pretend. That's how I am. Sonia, for you, a very hardworking and talented girl. So as we move to our last segment, I want to give some hampers to you. Really? So this is from Nutri Snacks and it's a healthy snacking option. Thank you so much. Thank you Karishma and Sachin for this wonderful hamper. And we have one more hamper from Fizzy Fern. It's an organic beauty product. Oh wow. And guys, I hope you should also opt for organic products. And I guess you should visit Fizzy Fern India. They have some wonderful organic products. You should definitely try. Yeah, actually even I prefer organic products. I think that's the best. I usually use chemical free organic stuff. In fact a friend of mine she makes for me, but yes I'm going to try this definitely and I'm going to give my review to you all. And we have one more gift hamper. This is from Grabox Faconn company
And thank you so much, Gitanshi, for this. And this is again for you. It's a jewelry box. Wow. So I'm really excited today because I've got so much of stuff as gift. Okay, food stuff, beauty product and jewelry. Wow. Thank you so much, Sonia. And thank you all the sponsors for this gift. Thank you so much. Thank you, Nutri Snacks. Thank you, faconn India. And thank you, faconn Company. And I will see you next week. Till then, bye. Bye, guys. See you.